जी दोस्तों, तो वहाँ से वो भोला शंकर जी की कचौड़ी खा के अब आगे आए हैं उसी लाइन में। तो अब यहाँ पे एक दुकान दिखी है आने के बाद, हीरा एंड सन्स की। तो ये भी बहुत फेमस दुकान है, पुरानी दुकान है। यहाँ की जो बालूशाही कहते हैं ना, वो बहुत ही फेमस है। मतलब मुंह में रखो और अंदर घुल जाएगी, मुंह के अंदर आपको चबाने की ज़रूरत नहीं। बहुत लोगों से तारीफ सुनी है। तो आओ पूछते हैं दुकान के ओनर से भी, और ख़ुद भी टेस्ट करके बताता हूँ आपको कैसी है बालूशाही यहाँ की। तो आइए, तो आओ शॉप के ओनर से पूछवाता हूँ कितनी पुरानी दुकान है ये और क्या क्या स्पेशलिटी है यहाँ पे। तो नमस्कार सर जी। नमस्कार जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम महेश शर्मा है। तो ये कितनी पुरानी शॉप है? ये 100 साल से ऊपर की हो गई, 1912 की शॉप है ये। 1912 की जी। तो यहाँ पे जैसा मैं देख रहा हूँ सिर्फ मिठाइयाँ ही हैं। मिठाइयाँ हैं, स्नैक्स हैं। स्नैक्स में जैसे कचौड़ी है, नमकीन आइटम है। तो यहाँ पे मैंने सुना है आपकी बालूशाही बहुत फेमस है। जी हाँ। तो एक बारी मुझे भी टेस्ट करवाओ ताकि मैं भी अपने YouTube जो देख रहे हैं वीडियो उनको बता सकूं। तो देखो ये है बालूशाही इनकी। तो ये है बालूशाही, देखो मतलब बिल्कुल देसी घी में है ये। ये देखो घी देख सकते हो। कितना है भैया? तो अब आओ टेस्ट करके बताता हूँ आपको कैसी है कैसी नहीं। ये देखने में मट्टी टाइप लगती है लेकिन है ये मिठाई, मीठी है ये, और देसी घी से पूरी लबालब है, और मीठा भी कुछ ज़्यादा तेज़ नहीं है। तो यूपी साइड में मीठा बहुत तेज़ मिलता है लेकिन ये उस हिसाब से नहीं है, दिल्ली के हिसाब से ये मीठा एकदम खाने में तो मतलब बिल्कुल सॉफ्ट है। अगर आप मुँह में रखोगे तो अपने आप मेल्ट हो जाएगी, रुका नहीं जा रहा। इतनी स्वाद है, जैसे मेरे घर वालों को भी बहुत पसंद है, खासकर मेरे फादर साहब को। कभी उनके लिए भी पैक करवानी है ताकि वो भी एंजॉय कर सकें। खाली मैं ही एंजॉय कर जाऊँगा तो मेरे को कहेंगे खाली तू ही खा आया वीडियो में मेरे लिए नहीं लाया। और शाहदरा मेट्रो स्टेशन के वहाँ भी यही जा रही है रोज, तो आपको सीधे आते जाना है। रिक्शा कर सकते हो या पैदल भी आ सकते हो, ज़्यादा दूर नहीं है। तो यहाँ पे आओ, छोटा बाजार है ये शाहदरा का, मिनी चांदी छोटा बाजार, अनाज मंडी जैसे अंकल जी ने भी बताया। तो ये छोटा चांदनी चौक कह सकते हो, जैसे वहाँ पे छोटी छोटी गलियाँ हैं, रिक्शे चल रहे होते हैं, ट्रैफिक बहुत होता है, वैसे ही यहाँ पे भी वही हाल है। छोटी छोटी गलियाँ हैं, रिक्शे चल रहे हैं, और जैसे मार्केट में घूमने वाले लोग आप देख सकते हो। तो गाड़ी तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, लाओगे तो आपकी जिम्मेदारी होगी, फंस जाओगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं। तो अपना पैदल आओ, अगर कहीं से भी आ रहे हो दिल्ली से, मेट्रो से आओ, शाहदरा मेट्रो स्टेशन उतर के वॉकिंग डिस्टेंस है अपना, आओ 10 मिनट लगेंगे। कैसी लगी है? सॉफ्ट है और टेस्टी है, बहुत ही यम्मी है ये भी। कैसा लगा टेस्ट भाई? डिलीशियस। ये भाइयों ने भी बताया मतलब बिल्कुल एकदम सॉफ्ट है, मतलब जिनके दांत नहीं भी है ना, जो बुजुर्ग लोग हैं हमारे, वो भी खा सकते हैं कि उनको ज़्यादा चबाना नहीं पड़ेगा, सॉफ्ट चीज़ है। तो बढ़िया बढ़िया चीज़ें ही आपको दिखाता हूँ मैं इस चैनल पर। तो अभी ओनर से पूछते हैं इसके अंदर प्रिपरेशन के अंदर क्या क्या डलता है। अंकल जी, इसके अंदर क्या डलता है? इसमें बालूशाही में एक तो मैदा होती है, देसी घी होता है, और दो तीन आइटम हमारे जो सिगरेट रखते हैं उसे हम बताते हैं। हमारे पास सिगरेट रहती है। और यहाँ पे टाइमिंग क्या क्या है आपके शॉप? टाइमिंग हमारे सुबह 6:30 बजे से रहेगा रात के 11 बजे। और कोई ऑफ भी? ऑफ कोई नहीं रहता, कोई ऑफ नहीं। 365 दिन जी। कभी कोई घर में परेशानी किया जाती है तो अपनी बंद। और जैसे ये गस्टेड हॉलीडे आते हैं 15, हमारी कोई छुट्टी नहीं होती, कुछ नहीं। जैसा आपने सुना इनसे कोई छुट्टी नहीं है, 365 दिन अवेलेबल रहते हैं यहाँ पे।
देखो ये छोटी छोटी कचौड़ी हैं और छोलों के कह रहे चने की सब्जी है और चने देखो एकदम घुटे हुए हैं ये, जैसे आलूओं का झोल होता है ना मथुरा के अंदर, तो वैसे ही यहाँ पे एक चने का झोल दे रखा है। तो बिल्कुल मतलब चने दिखेंगे नहीं आपको, तरी तरी दिखेगी उसकी, बिल्कुल मिक्स कर दी है उसके अंदर। तो ये भी टेस्ट करके बताता हूँ आपको कैसा है। और 80 रुपये की दो कचौड़ियाँ, आज की डेट में कहाँ मिलती है इतनी सस्ती कचौड़ी। तो देखते हैं 10 रुपये के अंदर क्या टेस्ट मिल रहा है, जो चने कहते हैं कहीं छोले कहते हैं। तो ये चने की सब्जी के साथ कचौड़ी है और एकदम गर्मा गर्म है, धुआं उठ रहा है। मसाले वगैरह बिल्कुल एकदम नॉर्मल हैं, ज़्यादा मिर्चे नहीं है, ज़्यादा फीके नहीं है। तो किसी भी उम्र का यहाँ पे आके टेस्ट कर सकता है, एंजॉय कर सकता है, खा सकता है। और जो रेट वाइज है 10 रुपये के अंदर आज की डेट में कुछ भी नहीं मिलता जो आपका पेट भर सके। लेकिन यहाँ पे आओ एक बालूशाही खाओ, ये खाओ आपका पेट फुल। पहले ये खाना, लेकिन उसके बाद मीठा खाना। कहीं पहले मेरी तरह करो, मीठा पहले खा लो और फिर ये खा लो, क्योंकि मेरे को पता नहीं रहा इन्हीं की शॉप है ये। तो अंकल जी ने बताया, तारीफ करी, तो मैं कहा चलो आपको एक और चीज़ दिखा दी जाए, ये एक बोनस हो गया आपके लिए भी और मेरे लिए भी। तो यहाँ पे ये 2-3 फेमस पॉइंट्स थे जिनको मैंने आपको वीडियो में दिखाया। तो नीचे इन सब के गूगल लोकेशन मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप आ सकते हो। और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है मेरा नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो मेरे को DM कर सकते हो उसके ऊपर। तो शेयर कर दिया करो यार, फ्री ऑफ कॉस्ट है, अभी तो पैसे नहीं लग रहे इस चीज़ के, जब पैसे लगेंगे तो आप लोग पता नहीं क्या ही करोगे। तो शेयर कर दिया करो WhatsApp पे, Facebook पे अपने दोस्त। ये हीरा लाल जी हैं जी, हीरा स्वीट कश्मीर, लक्ष्मी नगर, कनॉट प्लेस, राजनगर और नोएडा, वैशाली। हाँ जी, कोई छुट्टी नहीं, सेम है। 6:30 बजे से लेके रात के 11-12 बजे तक। हर जगह एक कचौड़ी भी मिलती है वो ली है? नहीं, कचौड़ी यही मिलती है, बाकी नमकीन और स्वीट। 70 साल पुरानी दुकान है वो, वो भी 70 साल पुरानी है। हाँ जी, और रेट तब से यही है, पहले तो कम होगा। 5 पैसे की 2 से शुरू करी थी, 5 पैसे की। हाँ जी, और आज 10 रुपये, लेकिन आज भी बहुत सस्ती है। हाँ जी, आज की डेट में 10 पैसे की दो, फिर 15 पैसे की दो, फिर 25 पैसे की दो, 20 पैसे की दो, इस तरह से रेट बढ़ा है 5-5 पैसे का। एक बार नाम बता दो। मेरा नाम नरेंद्र शर्मा है, मैं हीरा लाल जी का पुत्र हूँ। होता यहाँ 5वीं पीढ़ी बैठ रही है, 4थी पीढ़ी में हूँ, 5वीं पीढ़ी बैठ रही है यहाँ पर। तो जो आपने अभी ये वीडियो में देखा, तो इन्होंने एक पतीसा भी रिकमेंड करा है कि पतीसा भी हमारा ट्राई करो एक बारी। तो अभी पतीसा दिया इन्होंने, ये देखो। तो अभी पतीसा भी ट्राई करके आपको बताता हूँ, पहले आज भाई ट्राई करेंगे अब ये चीज़। तो अभी मेरे मुंह में वो कचौड़ी का टेस्ट है ना, तो अभी इनसे टेस्ट करवाता हूँ और इनसे पूछवाता हूँ कैसी लग रही है। नरम है, सॉफ्ट है काफ़ी, मीठा भी लाइट है, सॉफ्ट है। तो अब मैं टेस्ट करके बताता हूँ आपको पतीसा कैसा है, जैसे इनसे तारीफ सुनी। तो अब बालूशाही कर ली टेस्ट, कचौड़ी कर ली इनकी टेस्ट और गुजिया कर ली टेस्ट। तो अब पतीसे की बारी है, पतीसा भी टेस्ट करता हूँ। मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी चीज़ होगी जो टेस्ट में कमी होगी यहाँ पे। जो चीज़ खा रहे हैं वो एक से बढ़कर एक है। पहले बालूशाही खाई, उसके बाद गुजिया खाई, फिर कचौड़ी,
अब ये मतलब किसी चीज़ में भी टेस्ट की कमी नहीं है यहाँ पे, और हर चीज़ देसी घी से प्रिपेयर करी हुई है, डालडा का यूज़ नहीं होता, हर चीज़ देसी घी में प्रिपेयर्ड है। और वो अंकल जी और चीज़ दे ही जा रहे हैं, दिखाना यहाँ पे एक चीज़ और दी है उन्होंने ट्राई करने के लिए। ये क्या है जी? तो ये कलाकंद दिया इन्होंने, तो मतलब आज जो पहले ही पेड़ निकल रहा है देख सकते हो, खा के बटन भी खुल गया, वो आज और कसर निकाल देंगे वो। तो अभी पतीसा कर लिया टेस्ट, अब कलाकंद भी कर लेते हैं, पहले बटन बंद कर लूँ। कलाकंद है ठंडा, क्योंकि ये नीचे फ्रिज में पड़ा था ना। जैसा बताया, हर चीज़ एक से बढ़कर एक है, जो भी आ रही है उस वो देखो। अंकल जी ने नहीं मानना आज। दिखाओ भाई, एक चीज़ और दे दी है, क्या है? ये ड्राई फ्रूट लड्डू है, इसमें ड्राई फ्रूट होता है, काजू का पेस्ट होता है। अच्छा, काजू का पेस्ट नहीं बना होता, व्रत में भी खा सकते हैं। ये देखो, ये दोनों आइटम जो है ना, ये कह रहे हैं अगर आपका कोई फास्ट है, पतीसा नहीं, ये दोनों आप आइटमें फास्ट में भी खा सकते हो। तो जैसे कोई लेडीज़ सोमवार को व्रत रखती हैं, या जैसे नवरात्रे आते हैं तो उनके अंदर भी आप खा सकते हो। तो ये ड्राई फ्रूट का बना हुआ है लड्डू, और काजू की पेस्ट है इसके अंदर, देख सकते हो पूरा ही ड्राई फ्रूट ही ड्राई फ्रूट, किशमिश, काजू, बादाम, पिस्ता। तो जो चीज़ खाओ वही टेस्टी है। तो ये शॉप मेरे को रिकमेंड करी थी मेरे फादर साहब ने, तो बहुत बढ़िया चीज़ है। तो यहाँ पे जब भी आओ ये आइटम ज़रूर ट्राई करना, खुद भी खाना और घर के लिए पैक भी करा के लेके जाना, ताकि घर वाले, फ्रेंड, जिनको भी आप खिलाना चाहो वो भी एंजॉय कर सकें टेस्ट। सब चीज़ देसी घी में प्रिपेयर्ड है, और सब चीज़ सॉफ्ट है, मीठा भी लाइट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब ये ड्राई फ्रूट से बने हुए भी जो लड्डू हैं वो भी मुंह में रखे, वो भी मेल्ट हो रहे हैं। ड्राई फ्रूट को तो चबाना ही पड़ेगा, जो बाकी काजू की पेस्ट है वो भी मेल्ट हो रही है मुंह के अंदर। अच्छा, तो इन्होंने बताया कि सुबह 7 से 11 बजे तक देसी घी के अंदर प्रिपेयर्ड होती हैं पूड़ी, और उसके साथ आलू पूड़ी सर्व होती है सुबह 7 से 11 बजे तक देसी घी के अंदर। जैसा मैं बता रहा हूँ, हर चीज़ यहाँ पे देसी घी के अंदर आपको मिलेगी, चाहे कलाकंद हो, पतीसा हो, बालूशाही हो, ये ड्राई फ्रूट्स हो, ड्राई फ्रूट वाला लड्डू। तो 100 साल पुरानी शॉप है, वो कह रहे हैं आज तक हमने रिफाइंड को छू के भी नहीं देखा, तो यही खासियत है, तभी तो इतनी पुरानी शॉप चलती आ रही है, क्वालिटी दे रहे हैं, उसी वजह से इनका वर्ल्ड में नाम है हीरालाल एंड सन। तो क्वालिटी देंगे तो क्यों नहीं नाम बनेगा। तो यही था आज की वीडियो में, तो वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और यहाँ पे आना तो ये सब चीज़ें ज़रूर ट्राई करना। तो मिलते हैं अगली